Good evening. Welcome back to MSCA classes. If you want to join us, please tell us in the comment section. So let's get started. Today we are doing quadratic equations, class 10. Date is 9 September. Akshay Kumar's birthday. Okay, good luck. Let's do it. Same chapter today. Yesterday we were talking about roots, nature of roots. तो आपको clear होगा कि nature of roots जो है आपके पास तीन type के होते हैं. जो हमने पिछले कल कर दिया था इफ डी डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट मतलब जिसने यहाँ अभी दूसरा लेक्चर पहला हमारा ऑलरेडी हो चुका है यहाँ तक उसमें हो गया है तो आप पहले वो देखे फिर यहाँ से आगे चले. तो यहाँ पे करेंगे नेचर ऑफ रूट्स. डिस्क्रिमिनेंट इफ इक्वल्स टू जीरो. डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इक्वल्स टू जीरो तो क्या होगा. रियल एंड इक्वल रूट्स अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स. अगर लेस देन जीरो होगा मतलब रूट के नीचे अगर नेगेटिव में कुछ आ जाए रियल रूट इमेजिनरी लिखेंगे या फिर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे. तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन नो रियल रूट्स भी ठीक है ना. हाँ जी नो रियल रूट्स भी ठीक है ना. हाँ नो रियल रूट जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पे देखो 2x² - 3x + 5 ये हमने पिछले कल कर दिया था. इसमें अगर हम देखें b square minus 4ac निकाल के तो हमारे पास कितना आया था अगर आपको याद हो. -31 which is less than 0. इसका मतलब b square minus 4ac is less than 0 तो इसमें आना था no real root exists. no real सर जब तो रूट नहीं ढूंढना तब तो a स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे ना तब अपॉन 2a. हाँ वो अगर रूट्स निकालने हैं तो. अब देखो अगला सबसे पहले आपको चेक ही करना है नेचर ऑफ रूट चेक करना उसके बाद सॉल्व करना. अगला देखो 3x² - 4√3 + 4 = 0. तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल के देखो अपने पास तो b कितना इसमें -4√3 whole square - 4 × a is 3 and c is 4. इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax square plus bx plus c स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करो यहाँ से a b c पता लग जाएगा. तो b यहाँ पे -4√3 है a 3 है और c 4 है तो माइनस रियल एंड इक्वल रूट. रियल एंड इक्वल रूट इसका मतलब इक्वल्स टू जीरो आ रहा है. यस सर. ये बनेगा माइनस का प्लस 16√3 का हो जाएगा 3 माइनस 48 तो 48 - 48 इक्वल्स टू जीरो. इट मीन्स दैट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो. तो आंसर क्या होगा रियल एंड इक्वल रूट्स. क्या हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन हो. जब हमने ये चेक कर दिया कि इसके रियल रूट हो गए तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. अगर यहीं तक पूछा है क्वेश्चन कि भाई इसका नेचर बताओ तो यहाँ पे खत्म. अगर आपसे रियल रूट्स रूट्स भी निकालने को बोला गया है तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे. और सॉल्व कैसे करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर की वैल्यू हमें पता है क्या निकली है जीरो. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमने निकाल दिया डिवाइड बाय टू ए तो आंसर क्या होगा माइनस बी अपॉन टू ए. एक आंसर ये होगा दूसरा आंसर भी हमारा सेम होगा माइनस बी अपॉन टू ए. मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा वैल्यू की जगह माइनस बी की जगह हम क्या करेंगे बी की जगह हम पुट बी कर देंगे -4√3 अपॉन 2 × a is your 3. सो आंसर विल बी 4√3/6. दूसरा भी क्या होगा 4√3/6 आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 2/3 तो ये बन जाएगा 2√3/3. ये भी बन जाएगा 2√3/3. सर दूसरा कैसे निकालेंगे मतलब पहले तो ये निकल गया ना. दूसरा नहीं निकला इसके दोनों सेम हो गए. यही इसका पहला होगा यही दूसरा होगा क्योंकि आगे क्या है प्लस माइनस जीरो एक बार प्लस जीरो एक बार माइनस जीरो करना है रहेगा सेम. तो इसलिए हमने यहाँ निकाला भी तो था रियल एंड इक्वल रूट्स. इसके दोनों रूट्स इक्वल हो गए यही मेरा मतलब था निकालने का कि आपको दिखाऊं कि ऐसा होता है. तो मैग्नीट्यूड दोनों रूट्स का सेम होगा. जब ऐसा होगा तो हमने कंडीशन पहले ही निकाल दी थी कि इक्वल रूट्स हो गए और हमारे पास दोनों रूट्स जो आया वो आया माइनस बी अपॉन टू ए. तो माइनस बी अपॉन टू ए हमारे पास ये आया पहला भी ये होगा एक्स की वैल्यू और दूसरी वैल्यू भी यही होगी. अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए होमवर्क है इसमें आप खुद देखिए ठीक है. रियल एंड डिस्टिंक्ट
ये वही गिटार कौन भेज रहा है यार? हर्ष तू गिटार भेज रहा है? अच्छा जी आगे वाला खुद करेंगे तुम। अब हम थोड़ा सा है ही नहीं सर वो है हर्ष है वो अभी अभी चला गया यार। x square minus x x plus 3 है वो है real and distinct। ठीक है ठीक है अब हम करेंगे थोड़े से ये क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या लिखा है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस? क्यों लिखा है? क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अर्श को 2 सेकंड के लिए वेट करो, अर्श को आने दो। अर्श आ गए। अर्श मेरी आवाज आ रही है? तू गिटार भेजे जा रहा है यार? देखो भाई तब तक क्वेश्चन देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। पहले से दिया गया है कि 2 इक्वल रूट्स हो गए, बोलो फिर क्या होगा? अगर 2 इक्वल रूट्स हो गए इन इक्वेशन के तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करेगा? ये बी स्क्वायर पहले वाली इक्वल्स टू जीरो वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। जैसे हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले में लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो। क्यों लिखा जीरो? क्योंकि ये बोला गया है कि इन इक्वेशन में 2 इक्वल रूट्स है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इक्वेशन हैव 2 रियल इक्वल रूट्स, मतलब इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे कंडीशन ये लगेगी b की वैल्यू क्या है इसमें, कंपेयर करो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो b इसमें k सर k आया स्क्वायर माइनस k आया रूट ट्वेंटी फोर। ठीक है सर, k की वैल्यू ठीक है ठीक है, जीरो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू जीरो। आगे जब हम करेंगे तो k स्क्वायर क्या आ जाएगा 24 और k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 24। k की सर एक मिनट हाइड करोगे हटाओगे दिख नहीं रहा है क्या लिखा है क्वेश्चन? क्या चीज ये सेकंड क्वेश्चन के ऊपर से हटाओगे मार्किंग क्या लिखा है? सेकंड क्वेश्चन के ऊपर से मिटा देते हैं यार। लो थैंक यू। तो यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 24 को हम ऐसे इस तरह से करेंगे 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो इसमें 2 का पेयर बाहर निकल जाएगा, मतलब 2 into 2 into 2 into 3। तो ये बाहर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 6 बन जाएगा ये। तो k की दो वैल्यू होगी, एक प्लस रूट 2 रूट 6 और एक माइनस 2 रूट 6। ये आपका आंसर होगा। क्या ये डिफिकल्ट था क्वेश्चन? अर्श अगर आवाज आ रही हो तो आप भी बता सकते हैं। मानव नहीं था सर डिफिकल्ट नहीं, इजी है क्वेश्चन, समझ में भी आ गया। अर्श को आया? सानिध्य को आया कि नहीं? आ गया सर। तो अगला करो फिर, अर्श का भी रिप्लाई आ गया। अगले का k इज इक्वल टू 6, अगले का k बोलने मेरा करने का भी तू। ओके kx into x minus 2 plus 6 equals to 0। यहाँ पे देखो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे kx square minus 2kx plus 6 equals to 0। आपको विजिबल अच्छे से हो रहा है? नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं है? साफ दिख रहा है बिल्कुल? विजिबल है सर, यस यस सर। ओके फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac फिर से निकाल देंगे। क्यों निकाला फिर से बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि इक्वल रूट से इक्वल रूट की कंडीशन ये होती है। तो बी स्क्वायर b क्या है इसमें, ध्यान से इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी यहाँ पे होगा माइनस 2k और a होगा k और c होगा 6। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, बी की वैल्यू माइनस 2k होल स्क्वायर पुट कर देनी है, माइनस 4 इंटू ए इज के एंड सी इज 6 इक्वल्स टू 0। इट विल बिकम 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे 4 कॉमन निकल सकता है, k भी कॉमन निकल सकता है और अंदर बच जाएगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये दो फैक्टर बन चुके हैं, तो इधर दिस इक्वल्स टू जीरो और दिस इक्वल्स टू जीरो। तो आइदर 4k इक्वल्स टू जीरो और k माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो। तो k की वैल्यू यहाँ से जीरो आ जाएगी, k की वैल्यू 6 आ जाएगी।
अब ध्यान ये देंगे कि आंसर इसका होगा ये, क्यों? क्योंकि k की k इक्वल टू जीरो रिजेक्टेड, नॉट पॉसिबल या फिर रिजेक्टेड. व्हाई? बिकॉज जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी थी तो उसमें हमने ये भी लिखा था a डज नॉट इक्वल टू जीरो. a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. तो इसका मतलब यहाँ पे k जो है वो बिल्कुल किसके आगे है, एक्स स्क्वायर के आगे. तो के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसलिए के जीरो नहीं हो सकता. इसलिए आंसर होगा इसका के इक्वल्स टू सिक्स. तो आपको समझ आया कि नहीं आया, और अच्छे से आया कि नहीं आया? आ गया सर. हम आगे बढ़ सकते हैं. ये पता लगा के की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होगी? यस सर, यस यस सर. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अब है 4.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी. अभी आप एक्सरसाइज नहीं कराते सर? अरे भाई, हमने चैप्टर खत्म करने पे ले आए, आप देखते जाओ बस. देखो भाई सुनो, चेक वेदर फॉलोइंग आर, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. देखो भाई फटाफट से आंसर. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म. छोटा तो नहीं दिख रहा ज्यादा फॉन्ट आपको? देखो लैपटॉप पे तो सही होगा, अगर फोन पे देख रहे हो उस पे छोटा दिख सकता है ना. लैपटॉप पे देख रहे सर, ये इकट्ठा जोड़ दिया आपने सारा. गलत दिख रहा है पहला दूसरी सर, मतलब क्वेश्चन सारे जोड़ दिया आपस में. तो गंदे दिख रहे हैं आपको? यस सर. क्यों? अरे सर वो डिवीजन भी तो होना चाहिए, पता तो लगना चाहिए. दूसरा स्टार्ट हो रहा है वो दो भी बड़ी कभी. अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हो आप, जो पॉइंट ए वन ए वाले. ये यस सर, यस सर. आप yes, चलो देख लो, साथ साथ देख लो. थर्ड, इतनी खराब आंखें हैं. अब ठीक दिख रहा है? यस सर. तो लो फिर, ये पूरे हो गए, पूरे कर दिए हमने ये. अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. लो अब ठीक नहीं दिख रहा है? अब ठीक दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है कि नहीं? राइट साइड जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वहां ठीक दिख रहा है आपको? यस, नहीं नहीं सर, एकदम एक्यूरेट. ओके, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले हम चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. तो क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, फिर चेक करना है. तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स माइनस सिक्स. ए स्क्वायर प्लस टू एक्स बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बन जाएगा प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो. तो ये बन जाएगा 2x से 2x कैंसिल, तो ये बन जाएगा x square plus 7 equals to 0. क्या ये quadratic equation है कि नहीं है? नहीं 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 sir. Is it a quadratic equation or not? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है? सर इसमें bx नहीं है क्योंकि. ओके, जब हमने quadratic, जब हमने, हाँ जी हाँ जी, है सर ये शायद, क्योंकि इसकी 2 की डिग्री है इसमें. देखो मेरी बात सुनो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब इक्वेट करते हैं इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है. बट कंडीशन थी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी तो वहां पे कुछ नहीं लिखा था. बी जीरो हो सकता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो. तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन सिर्फ ये है कि ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. मतलब कोफिशिएंट ऑफ जब रेस्ट पावर 3 होते तब क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन. 4 हो जाएगा तो बाय क्वाड्रेटिक, उससे आगे आराम से पढ़ना बाद में, ठीक है? ओके ओके, तो ये नहीं है? है सर. है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि ये है. क्यों है? जब सिर्फ आपको कंडीशन क्या पूरी होनी चाहिए कि एक तो यहाँ पे पावर 2 और दूसरा ये किसने लिखा भाई, एक तो पावर 2 और साथ में क्या होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, b जीरो भी हो सकता है. क्या बाकी क्वेश्चंस को करने की जरूरत है कि नहीं है? देखो ये तो सीधा सीधा पता लग गया, ये नो है. नहीं सर, ये नो है, बिकॉज एक क्यूबिक इक्वेशन है. तो आप सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे भी नहीं सर. नीचे वाली भी क्यूबिक है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. क्या आगे बढ़े हम? यस सर, बातें चलिए किसी के यार, बातें चलिए. सेकंड क्वेश्चन सर इसके चलिए. अच्छा सुनो मेरी बात. सेकंड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको क्या करना है,
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में शो करना है, मतलब इस फॉर्म में लाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान देना कि यहाँ पे करना क्या है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास है रेक्टेंगल। देखो ये बोलता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लिया, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट बन गया, नजर आ रहा है आपको। अब बोलता है कि यहां पे इसकी ब्रेथ, जिसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, मतलब ध्यान से सुनना, लेंथ ऑफ द प्लॉट जो लेंथ है वो वन मोर देन का मतलब होता है प्लस, वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, तो ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है टू टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो टू टाइम्स मतलब टू टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ हमने क्या ले ली, मान लो एक्स, तो ये बन गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रेथ ले लेंगे एक्स मीटर, तो लेंथ क्या आ जाएगी, टू एक्स प्लस वन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या समझ आया कि नहीं आया, इसका मतलब है वन मोर देन, मोर देन का मतलब होता है प्लस, ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सो इसको हम पढ़ेंगे वन मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ का मतलब है टू इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हमने एक्स ले ली। आप यहां तक समझे कि नहीं समझे, जल्दी से बताइए। समझ गए सर सब, तो यहाँ पे लेट yes. करना पड़ेगा आपको, लेट ब्रेथ बी एक्स मीटर, तो लेंथ हो जाएगी टू एक्स प्लस वन। क्यों हुआ टू एक्स प्लस वन, आपको अच्छे से समझ आ गया, मोर देन का मतलब है प्लस, वन मोर देन मतलब वन प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ हमने एक्स ले ली, तो टू इंटू एक्स, ट्वाइस का मतलब है टू टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दिमाग में डाल दो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, आगे ये क्वेश्चन करते हैं अभी। अब बोलता है कि इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ आपके पास है 2x प्लस 1 और ब्रेथ आपके पास कितनी है x इक्वल्स टू 528। क्या ये इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है? जी सर आ गया, इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन में पूछा था कि आपको रिप्रेजेंट करना इक्वेशन की फॉर्म में, बट अगर आपको आगे सॉल्व भी करना है, मान लो यही क्वेश्चन पेपर में आता है कि आंसर निकालो लेंथ और ब्रेथ, तो आपको सिर्फ ये नहीं बताना बुक में इतना पूछा था, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यू कैन यूज फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करवाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। अगर मैं मान लो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहा होता तो मैं क्या करता, देखना ध्यान से, अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता तो सबसे पहले मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता, तो ये बन जाता 528 मल्टीप्लाई बाय 2, ध्यान से देखना, 2 8 16, 2 2 4 5, 2 5 10, तो ये बन गया 1056। अब मैं क्या करता है यहाँ पे 1056 के मल्टीपल्स निकालता, तो यहाँ पे 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2, 33, 33 से ही करेंगे तो 33 1 जा 33। अब ध्यान से सुनना मैं करूँगा क्या, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल्स में चेक करूंगा कि क्या बन रहा है कुछ की नहीं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बोलने का मतलब है मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इन सबको, क्या बनेगा, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, तो ये बन गया 32 और ये कितना है 31। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, क्या ये सही बन रहा है, ये 33 माइनस 32 इंटू एक्स, ये तो बिल्कुल सही बन गया, 528 इक्वल्स टू 0, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। क्या आप यहां से आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको, अब मैं ये रेक्टेंगल मिटा देता हूं, यहां पे आप करो,
यहाँ पे आप करो नहीं, यहाँ पे मैं करता हूँ, आप देखते जाओ। फिर यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको समझ आया मैंने क्या लिखा? अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2x² के साथ मैं 32x आगे ले आऊंगा, प्लस 33x के साथ मैं रखूंगा 5328 इक्वल्स टू 0, ताकि कॉमन निकाल सकूं। 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, x माइनस 16 बच गया, प्लस यहाँ पे 33 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, देखो जल्दी से 33 को कितने से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे x माइनस 16 एक मिनट, x माइनस 16 कुछ गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ वही सर आपने गलत, आप ऐसे कर सकते थे 2b² प्लस 33 सर। अरे अरे सुन सर, सर हाँ जी हाँ जी सर 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 जो वो तीसरा मेथड नहीं है, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर फॉर्मूला मेथड, हाँ फॉर्मूला मेथड से बिल्कुल ना कर सर, तो सकते यहाँ हैं, एंड में बचा माइनस आपको वन प्लस माइनस सर अंडर रूट माइनस 1056 बच रहा है अंदर, तो कैसे होगा अब इसके आगे? नहीं वो तो ठीक है ना, वो तो हो जाएगा, बट मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है, 33 सर बी 16 आ रहा है और बी माइनस 33/2 आ रहा है। अरे भाई यहाँ पे ये सेम होने चाहिए ना, यहाँ पे ये 16 होना चाहिए था, इक्वल टू जीरो इस तरह से आना चाहिए था। 33 × 16 कितना होता है सर? 528 ही होता है। हैं? 528। खन्ने यार माइक बंद कर यार। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 16 एक बार लिख लेंगे क्योंकि कॉमन है, फिर बच क्या गया 2x प्लस 33। तो यहाँ पे आगे अगर करें हम इसको तो कैसे करेंगे, देखो तो यहां से आगे बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया x इक्वल्स टू 16 और x आ जाएगा माइनस 33/2। ये हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज x हमने ली थी ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ कभी नेगेटिव, मतलब लेंथ किसी भी चीज को मेजरमेंट जो है वो नेगेटिव में नहीं आ सकती, इसलिए हमने ये कर दिया रिजेक्ट। तो आंसर होगा x इक्वल्स टू 16 मीटर, मतलब 16 मीटर थी ब्रेथ आपकी, और लेंथ क्या हो जानी थी, इसमें पुट कर दो यहाँ पे लेंथ इक्वल्स कितनी आई, 33, हाँ 33 मीटर। ठीक है, अब बताओ सर, समझ आया कि नहीं आया, और सानिध्य का क्या क्वेश्चन था? फॉर्मूला मेथड से करो ना सर आप। हाँ फॉर्मूला मेथड से क्या आया, लास्ट में बचा माइनस वन प्लस माइनस रूट माइनस 1056 1056 माइनस का, वो भी रूट में माइनस का है। हाँ जी सर। नहीं मेरे को इक्वेशन बताओ एक बार, मैं करके देता हूँ इक्वेशन, बताओ क्या आई थी, 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू 0, यही थी ना इक्वेशन। तो माइनस यस सर, तो माइनस बी की जगह आना था माइनस वन, प्लस माइनस बी स्क्वायर वन, वन स्क्वायर माइनस 4 × a था, इतना c था, माइनस 528, आपने माइनस में नहीं लिया होगा, यहाँ पे माइनस में लिया सर, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस पे कैसे आएगा फिर? नहीं नहीं सॉरी माइनस नहीं, चलो वन प्लस 1056 आया नीचे डिनोमिनेटर में, ये वन प्लस 4 × 2 = 8, देखो माइनस इनटू माइनस प्लस सर, हो जाएगा, और ये तो आ गया सर 4 × 2 = 4 आ रहा है ना, वो आ रहा है 4 × 2 = 4 सर, कर लिया हमने 4 × 2 = 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, माइनस 1 प्लस माइनस 1056 हो जाएगा, इसका क्या आया आप बताओ, 4 × 2 = 5 यस डिवाइडेड बाय 4। तो ये तो यार रूट आ गया एक चीज का किसी का, देखो 5 लास्ट में होगा और इसके नजदीक किसका होता है, 3 3 = 9, 4 4 = 16, 5 5 = 25, 6 6 = 36, 65 का रूट है। ये तो मैंने जो निकाला ना बेटा, ये निकाला मैंने बड़े उससे, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तब निकलेगा। देखो मैंने कैसे निकाला, 25 का हमेशा 5 होता है, और 42 के नजदीक किसका आता है, 6 का, तो 6 6 = 36, फिर मैं चेक करूंगा, बट जब आप करोगे तो आप कैसे करोगे, देखो 65 भी आ रहा है, 25 है,
आप ऐसे करके कर सकते हो, देखो 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यस सर, 1 जा 2, 2 से तो ये कट ही नहीं रहा यार सर, ऐसे थोड़ा कट देते रूट्स का, 5 से काट देंगे सीधा। नहीं नहीं ऐसे भी निकल जाता है, आप जो बोल रहे हो अच्छा, वो दूसरा है फिर, वो आप जो बोल रहे हो 4 2 2 5, ऐसे 2 2 के पेयर बनाने हैं, फिर 6 6 36 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 625, ठीक है समझ आया बात? ऐसी क्या? फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका डबल कर देते हैं या फिर इसमें यही चीज ऐड कर देते हैं, फिर यहाँ पे एक चीज छोड़ देंगे, यहाँ पे एक प्लेस छोड़ देंगे, 12 को कितने से करें कि 62 के नजदीक जाए, 5 से, 5 तो फिर चेक करेंगे 125 into 5, तो ये 625 ही आएगा, फिर कैंसिल कर देंगे तो आंसर इसका 65। कई तरीके होते हैं, अब इस तरीके से बताता हूँ जो नॉर्मली आपने सीखा होता है मल्टीप्लीकेशन वाला। तो 5 8 जा कितना होता है 40, 5 4 जा कितना 20, और 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 34 बन जाएगा, 5 6 जा 30, और यहाँ पे 45 बनेगा, 5 9 जा 45, फिर 13 से कटेगा, फिर 13 से 1, तो देखो 5 का पेयर है तो 5 बाहर निकाला, 13 का पेयर है तो 13 बाहर निकाला, 13 इंटू 5 होता है 65, तो इसका रूट कितना होगा 65 होगा। समझ आया कि नहीं आया? इस तरह से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आ गया, शरीर तो जाएगा, आगे बताओ। एक किसने बोला आगे बताओ है? मैंने बोला सर। तो यार क्वेश्चन भी तो तेने ही पूछा था ये। नहीं नहीं मैं सर इसी में बोल रहा हूँ सर, इसमें वो कर लिया गया कि माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट हुआ, वो क्लियर हुआ जो डाउट था। ये सर वो तो गया, इसका क्या होगा आगे? एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ चला गया? 2 इधर पहुंच गया भाई, 2 इधर पहुंच गया। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। हाँ जी हाँ जी, तो माइनस वन प्लस यार आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली, तो नेटवर्क जब आएगा तो बता देना, मैं करते जाता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियरली, टाइम भी होने चला है, आज तो हम 2 क्लासेस लगाए गए ना यार, बीच में तेने कॉल कर दी। हेलो, हाँ हाँ डिस्टर्ब कर रहा तू अब, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, इनका सानिध्य जी का क्वेश्चन है कि जब हम माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट नहीं आएगा फिर, ठीक है, वो कैंसिल होके वही तो हमने निकाला 65 आया हमारे पास, डिवाइड बाय 2 डी कितना था हमारे पास, 4 था, ये 4 था शायद, तो माइन अब जो यहाँ से आगे कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 आएगी आपके पास, माइनस वन प्लस 65 डिवाइड बाय 4, दूसरी आएगी माइनस 1 माइनस 65 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा 65 माइनस 1 64 डिवाइड बाय 4, और ये आ जाएगा 66 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे अगर कट करेगा इसको 2 से तो 2 2 जा 4 और 33, तो ये माइनस का है क्योंकि ये माइनस में था, तो ये रिजेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे ये 16 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया 16 मीटर एक्स ब्रेड था आपकी, और लेंथ था कितनी, लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ थी 2x प्लस 1, तो 2x की जगह 16, 32 प्लस 1, 33 मीटर। अभी भी नहीं आया समझ? आ गया सर। अरे आ गया सर, अब आ गया ना, ठीक है। अगला देखो, अर्श है हमारे साथ? अर्श बिल्कुल चुपचाप बैठा है, नहीं है सर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है 1 2 3 4 इस तरह से सीक्वेंस में, तो ये बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम फर्स्ट को x ले लेते हैं, सेकंड हमारा क्या होगा x प्लस 1 होगा, मतलब एक ज्यादा, जैसे 1 होगा फिर 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2, तो 1 प्लस कर देते हैं हम, तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता लगा कि नहीं लगा, क्या चीज है? फर्स्ट एक्स ले लिया, सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर एक्स प्लस 1 आ जाएगा,
फिर क्या बोलता है कि उनका प्रोडक्ट 306 है, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देगा, ऊपर लिख लेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 306, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से आगे मैं नहीं करवाऊंगा, आप करना चाहे तो किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? कोई रिप्लाई नहीं है? यस सर आ रही है। कर देंगे यहाँ से आगे? यस सर कर रहे हैं। अभी नहीं करना, ठीक है, अभी मैं आगे करवा रहा हूँ, ये आपके बाद में करने की चीज है। हाँ जी हर्ष जी बोलिए, आप कहाँ गए यार? इसकी रिगार्डिंग मेरे को आपके पापा से बात करनी पड़ेगी। आए नहीं सर वो। हाँ तो फिर डेट डालना पड़ेगा ना, आप तो डाल नहीं सकते, आपके पास है पैसे है खुद डालने के लिए? क्या? नहीं है ना, तब बताओ, तब बता रहा हूँ, चलो आप देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो लिंक भेज दूंगा। ओके हाँ जी बोलिए सर। आप क्या बोल रहे थे, कुछ समझ नहीं आया। किसका? मैं बोल रहा था कि मैं आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो वाला करते रहना आगे। देखो नहीं आप आगे आएंगे तो आपके पैसे कौन डाले, कुछ समझ नहीं है क्या बोला यार। नहीं वो आपके काम की चीज नहीं है, ये अर्श को कॉल किया था मैंने, इसके नेट नहीं है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जल्दी से आपने वापस आ जाना नेक्स्ट क्लास के लिए, है ना, अभी 2 मिनट से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले तो भाई रोहन्स प्रेजेंट एज ले लेंगे हम, रोहन प्रेजेंट एज, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है, प्रेजेंट जरूर लिखना, आज की एज। तो मदर की एज कितनी होगी भाई? एक्स प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि ये बोला गया है कि 26 ईयर्स ओल्डर है। आपको समझ आया ये वाला जो मैंने लिखा यहाँ पे? आ गया सर, आ गया, आ गया। तो अब बोलता है आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर 3 years, तो रोहन की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस थ्री ईयर्स। फिर मदर की एज कितनी हो जाएगी? मदर की एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन, क्योंकि इसमें भी ऐड हो जाएगा 3। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि 3 साल के बाद जो उनकी एज है, अगर उनका क्या किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए, तो 360 आता है। तो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 3 × x + 29 = 360। क्या यहां से आगे इक्वेशन निकाल दोगे और सॉल्व कर दोगे इसको? कर देंगे। तो इस क्लास को यही yes, समाप्त करते हैं, फिर से आइए, जल्दी से जाइए, जल्दी से आइए, विद इन 1 मिनट जैसे ही आप रिकॉर्डिंग को, आपको टाइम नहीं लगेगा रिकॉर्डिंग? नहीं लगेगा, मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, फिर बाद में करूंगा, ठीक है? कर दो ना सर, पानी वानी पी के भी आ जाएंगे। ठीक है आओ, फिर पानी पी के आओ।